हाय गाइस, आज हम लोग सिविल कोड और बीएसएससी के एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ फिर से क्लास में आए हैं। आपका काम क्या होगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, समझना और उनके ट्रिक्स को भी मैं बगल में बताते जाऊंगा कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डे टू। ठीक है, तो क्या क्वेश्चंस है देखें। अभिषेक जैन टाइप 50 पेज एट द रेट ऑफ 30 पेज पर आवर संडे को, मंडे को वो टाइप किया केवल 50 एक्स्ट्रा पेज और वो 20 पेज पढ़ा। यानी ध्यान से देखेंगे, अभिषेक जैन ने रविवार को 30 पेज प्रति घंटे की दर से 50 पेज टाइप किए और सोमवार को अगले दिन वह 20 पेज, देखो पाले भी पाले 50 पेज टाइप किया था 30 के स्पीड से, अगले दिन 20 के स्पीड से फिर 50 पेज ही टाइप किया। तो क्या पूछ रहा है कि उसके टाइपिंग की औसत दर कुल मिलाकर कितनी रही है प्रति घंटा पृष्ठ में गणना करें, यानी उसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। आप कई बार क्वेश्चन से पढ़े होंगे एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, कब, जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम है अगर, जाना आना सेम डिस्टेंस, 50 पेज सेम डिस्टेंस यानी सेम लेंथ, कितना पेज 50 पेज। पहले दिन का स्पीड क्या है 30, अगले दिन का क्या है 20। तो हम लोग इसके बारे में जानते कैसे निकालेंगे कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा क्या, तो फॉर्मूला होता था 2 × x × y / x + y। कब, जब डिस्टेंस सेम होगा तब। तो 2 × पहला स्पीड है 30, दूसरा स्पीड है 20 डिवाइडेड बाई 30 + 20, यानी 3 × 6 × 1200/50 भाग दे दिया 24। तो आंसर 24 प्रति घंटा इतना पेज, यानी इस ढंग से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। कैलकुलेट इन पेजेस पर आवर, पर आवर पे निकालना, दैट इज एवरेज पूछ रहा है, तो 24 आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें कि अच्छा, ये आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है। ट्रिगो का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये a sin थीटा किस फॉर्म में है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, क्या मैक्सिमम वैल्यू, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत इजी, यानी यहाँ पे a का मान क्या है 2 और b का मान क्या है 3, तो mv मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 2² + 3² तो 9 × 4 = 13 √30। जी हाँ, तो आंसर b। जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछे a sin थीटा b cos थीटा के फॉर्म में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, यानी a क्या है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 और 3 यानी 30। ठीक है, तो देखे अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन दिखाइए कितना है और क्या है। तो अगला क्वेश्चन तीसरा है और ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है कि द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:7:11। यानी तीनों एंगल, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और हम लोग जानते हैं कि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो जैसे ये ट्रायंगल है और 3 एंगल जो बना ये तीनों का सम 180 डिग्री होता है। पहला एंगल है 2x + 7x + 11x एंड दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखें 7 × 9 = 20x = 180, तो x = 9। तो क्या पूछ रहा है, तो कोनों की माप
यानी x 9 है तो ये 9 दुना 18, ये 9 सत्ते 63 और ये 99, तो 18 63 99 यानी ऑप्शन डी। बहुत आसान, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का था। एक चीज मैं बार बार बता रहा हूं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल कोड के क्वेश्चंस का, आप इधर उधर भटक कर अलग क्वेश्चन को मत लिखना। बीएसएससी बिहार सचिवालय और सिविल कोड में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग वैसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। बहुत मजेदार क्वेश्चंस है और आपको अच्छे से देखना है, एक बार में नहीं समझ में दोबारा देखना, उसको एक कॉपी में नोट्स जैसा बनाते जाओगे और जब एग्जाम दे के आओगे तो आप खुद बोलोगे सर जो आपने बेस क्वेश्चन पढ़ाया एग्जाम में क्वेश्चंस वही थे। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला 4। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस यानी एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 32 है। समचतुर्भुज पता होगा, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो। जी हाँ, having all sides equal, जब चारों साइड इक्वल होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होता है, इसके डायगोनल ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते, विकर्ण डायगोनल मतलब ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब ध्यान देना, अगर एक ये 24 है तो मतलब ये आधा 12 और ये भी 12 होगा, ये टोटल 32 है तो आधा 16 और ये 16 होगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ये क्या होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर कितना 256, 144 ऐड किया 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना 20। अब ध्यान दीजिए ये आया 20, यानी पेरीमीटर पूछता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप मतलब घेरा, तो ये भी 20 हुआ, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, दैट मींस 80 होगा। अब ध्यान क्या देखेंगे कि देखो, एक विकर्ण था आधा ले लिया 16, ये विकर्ण था पूरा 24 आधा ले लिया 12, अब ये 16 ये 12 तो ये आ गया 20, और जैसे ये आ गया 20 तो पेरीमीटर इसी है। तो एडवांस के क्वेश्चंस भी इन एग्जाम्स में जो पूछे जा सकने वाले हैं वो मैं बता दे रहा हूं, उस पर आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द नंबर 1 से लेकर 1000 का मल्टीप्लाई टुगेदर, 1 से लेकर 1000 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी क्वेश्चन ऐसे है कि 1 × 2 × 3 से लेकर कहां तक 1000 तक गुना करो। देख के लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक्स क्या कर रहा है कि ए देखो, जीरो तो तब आएगा जब 5 और 2 को गुना करोगे, 5 × 10, वो अलग है कि 4 को भी गुना करते 5 से, 6 को करते 8 से करते, हम लोग उससे मतलब नहीं, 5 × 2। हम लोग बहुत डिटेल्स में यहाँ नहीं जानने वाले, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे बनाना है। तो ऐसे केस में 5 को ढूंढेंगे, 5 कैसे निकलेगा, देखो ये 1000 तक है तो 1000 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 से कितना आया 200, फिर 5 से कितना 40, फिर 5 से भाग दो कितने बार में 8, फिर 5 से भाग दो कितने बार में 1, इन सबों को ऐड कर दोगे तो आ गया 249, मतलब 5 जो है 249 पर आएगा, तो 0 भी कितना आएगा तो 249। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक में 249 आएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन ये वर्किंग 5 आवर्स, यानी एक दिन में 5 घंटा काम करते हुए ए 8 दिन में काम करता है, ए को कितना दिन लग रहा, 8 दिन, एक दिन में 5 घंटा, तो क्या ऐसे लिख दें कि ए 8 गुना 5 मतलब 40 घंटा में किसी काम को कर सकता है,
और बी कितने घंटे में कर सकता है, तो एक दिन में 6 घंटा और 10 दिन, तो 6 गुना 10 यानी 60 घंटे में कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि ए कितने घंटे में, तो टोटल 40 घंटे में, और बी कितने घंटे में, 60 घंटे में काम को खत्म कर सकता है। क्वेश्चन अगर पूछे ए जो बी, तो हम लोग क्या करते, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 40-60 का एलसीएम 120, 40 से भाग दो 3, 60 से भाग दो 2, 120 बटा 5 मतलब 24 घंटा। और देखते हैं कि एक दिन में 8 घंटा काम करना, तो कितना दिन हुआ, तो नंबर ऑफ डेज, दिन की संख्या कितनी, तो 24/8 यानी 3 दिन। पहले जो डेज और आवर्स था उसको मल्टीप्लाई किया 5 और 8 को, तो 8×5=40, फिर ये 6 और 10 को 60, वो 40 घंटे में, ये 60 घंटे में, दोनों मिलकर 24 घंटे। और एक दिन में अगर 8 घंटा काम करे तो कितना दिन लगेगा, तो 8×24 3 दिन लगेगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ट्रेन का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स इन सेम डायरेक्शन, कर रहा एक ही डायरेक्शन में 2 रेलगाड़ी जा रही है, पहले का स्पीड 45 और 40। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो दो स्पीड होगा और एक स्पीड है 45 दूसरा 40 है, और तब डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि दो स्पीड को एक स्पीड में बदलेंगे पहले, उसी को रिलेटिव स्पीड कहेंगे। और हम लोग क्या जान रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू ये जो रिलेटिव स्पीड आएगा इनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड कितना आएगा 45 माइनस 40, और पूछ रहा है कितने मिनट में, तो 45 मिनट में इनटू 45, ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी 45/60, 15 या 45, 15×60, 15/4, 4×12, 3×3/4 या 3 किलोमीटर 750 डिस्टेंस पूछ रहा था, तो स्पीड इनटू टाइम, और दो दो स्पीड है, एक स्पीड बदलो, और एक स्पीड कैसे बदलेगा, तो दोनों को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटाएंगे इनटू टाइम, क्लियर है, एक ही डायरेक्शन का, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन होता तो प्लस कर देते। तो देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स एट 4% पर एनम इज 10, यानी एसआई सीआई का 2 वर्ष का डिफरेंस दिया हुआ है और रेट है कितना 4%। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि PR² / 100² अब बताओ यहाँ पे D कितना है 10 बराबर P, R कितना है तो 4% 4² / 100² मतलब 100×100, 1×4=25, 1×4=25 बार में कट गया, तो 25×25=625 यानी इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P बराबर 250। तो ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं कि अंतर D बराबर P मतलब होता है मूलधन, R मतलब रेट, कितने साल का 2 साल का, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर है, टेंशन में आने का जरूरत नहीं है, देखो अब ये लेवल तो तब स्टार्ट होता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो या एग्जाम नजदीक है या कर चुके हो, तो वहां पे तो सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। और देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत डिटेल्स में जो चैप्टर आपको नहीं पता तो उन चैप्टर्स के गहराई में जाना पड़ेगा। तो लेकिन अभी उतना समय नहीं है, हम लोग को क्या करना है कि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला 9, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, सी डी गिवन है, तो क्वेश्चन कर रहा है ए
by d बताओ, a by d, a by d क्या होता है? हम चाहे तो ऐसे लिखते हैं a by b into b by c into c by d। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये देखो b और b cancel, c और c cancel, आ गया नहीं a by d। अब देखो a by b कितना है? तो 2/3 है। b by c कितना है? 2/4 है। और ये कितना है? 2/5 है। कटेगा तो ये काट दो, यानी ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 15, यानी 2:15। तो कौन सा आंसर होगा? ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कोई टफ नहीं था, इजी था। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है। 10% ह्रास मतलब 90% हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य मालूम है 50,000, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? तो देखो वर्तमान मालूम है कितना? 50,000, और प्रत्येक वर्ष 10% घटता है, तो 90/100 गुणा 90/100। अब देखो ये 4 0 4 0, 81 गुना 5, 5 5 5 8 40, उस पे 2 0, यानी 40,500 है ना आंसर। चार ह्रास, अगर ये बढ़ता तो 110/100 करते, 110/100 करते, लेकिन दोनों वर्ष ही 2 वर्ष है इसलिए 2 बार, 3 वर्ष का होता तो 3। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? रेशियो इन विच टू सुगर सॉल्यूशन ऑफ द कंसेंट्रेशन 15% और 40% आर टू बी मिक्स टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ कंसेंट्रेशन 30%। एक है 15% वाला और एक है कितना परसेंट वाला? 40% वाला। हम लोग एलिगेशन मेथड यूज कर लिए, यहाँ क्या होगा 30%, 40 से 30 घटा दीजिए 10, इससे ये घट गया 15। घटाते कैसे हैं? बड़ा से छोटा, तो यहाँ बड़ा और ये वैल्यू दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों में बड़ा ये है, घटा कैसे 10, इससे ये घटा 15, कटेगा 2:3। ऐसे मैथ्स का टेंशन अब आपको नहीं लेना है। अगर आपने पढ़ाई कहीं से भी किया है तो आप इस क्लास में आकर मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं किया है तो पढ़ाई भी आपको करनी होगी, लेकिन अभी एग्जाम के पर्पस से इन सेट क्वेश्चंस को देखोगे, कोई ठिकाना नहीं है कि डाटा भी एग्जाम में सेम आ जाए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।